Australia, the land down under, a journey through the continents. Thank you for the warm welcome. ऑस्ट्रेलिया वाकई एक काबिले जिक्र डेस्टिनेशन है। डाइवर्स मनाजिर और एक्सपीरियंसेस से भरा हुआ है। इस सफर में हम क्या दरियाफ्त कर सकते हैं, इसकी एक झलक ये है। यूनिक वाइल्ड लाइफ, ग्रेट बैरियर रीफ, हजारों समुद्री प्रजातियों का घर, ये यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की एक जगह और गोताखोरों की जन्नत है। कैंगरू और कोआला, मशहूर ऑस्ट्रेलियाई जानवर जो अपनी कुदरती रिहाइश गाहों, खासतौर पर कौमी पार्क्स में देखे जा सकते हैं। तस्मानियन डेविल न सिर्फ तस्मानिया में पाया जाने वाला एक मुनफरिद मर्सुपियल है जो अपने सख्त मिजाज और मखसूस गरज के लिए जाना जाता है। एंडलेस कोस्टलाइंस बीच अपनी सुनहरी रेत और सर्फ कल्चर के लिए मशहूर, ये साहिल समंदर से मोहब्बत करने वालों के लिए जरूर जाना चाहिए। एक कुदरती ड्राइव जो शानदार साहिली नजारों की नुमाइश करती है, बशमूल 12 रसूलों की चट्टान की शक्लें, अपने कदीम साहिलों और क्रिस्टल साफ पानियों के लिए जाना जाता है जो कश्ती रानी और स्नॉर्कलिंग के लिए बेहतरीन है। Endless coastlines, दोस्तों Endless coastlines में सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्डी बीच के बारे में। अपनी सुनहरी रेत और सर्फ कल्चर के लिए मशहूर ये बॉन्डी बीच साहिले समंदर से मोहब्बत करने वालों के लिए जानी जाती है। ग्रेट ओशियन रोड, ये एक कुदरती ड्राइव जो शानदार है, साहिली नजारों की नुमाइश करती है, बशमूल 12 एपोस्टल रॉक फॉर्मेशंस, वेस्ट आउटबैक, उलूरो, आयर्स रॉक। मकामी ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदों के लिए एक मुकद्दस मकाम, ये बड़े पैमाने पर सैंडस्टोन का मोनोलिथ तुलुए आफ्ताब और गुरुबे आफ्ताब के वक्त अपने बदलते हुए रंगों के लिए मशहूर है। काटा जूटा बड़े गुंबदनुमा चट्टानों का एक ग्रुप है जो दिलकश नजारे और पैदल सफर के मौके पेश करता है। एलिस स्प्रिंग्स, आबाई सकाफत और तारीख से मारा माल आउटबैक को तलाश करने का एक मरकजी पॉइंट है। रिच हिस्ट्री, इंडिजिनस कल्चर, हिस्टोरिकल साइट्स, तस्मानिया में पोर्ट आर्थर एक साबिक मुजरिम की बस्ती और जदीद फन तामीर का शाहकार सिडनी ओपरा हाउस जैसे मकामात को दरियाफ्त करते हैं। वाइब्रेंट कल्चर, ऑस्ट्रेलिया के खाने के मंजर का तजुर्बा करें, ताजा समुद्री विदा से लेकर कसीर सकाफती खानों तक, फेस्टिवल एंड इवेंट्स, जानदार त्योहारों में हिस्सा लें जैसे सिडनी फेस्टिवल या मेलबर्न की व्हाइट नाइट, फनून और सकाफत का जश्न से लेकर सर्फिंग और रग्बी तक, खेलों के लिए AFL खेल, क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया के शौक के साथ मशहूर हों। ऑस्ट्रेलिया एडवेंचर की सरजमीन है जो हर एक के लिए कुछ न कुछ पेश करता है, चाहे आप आउटबैक में सनसनी साहिलों पर आराम
कर रहे हों या शहरों में सकाफती अफसूस की तलाश कर रहे हों, सफर नाकाबले फरामोश तजुर्बात का वादा करता है। तो आइए इस सफर में गहराई में जाते हैं, जान पहचान की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदी। ऑस्ट्रेलिया में खुशामदीद। नीचे की जमीन नाकाबले यकीन तजादात का एक मुल्क है, जहां कदीम मनाजिर जदीद शहरों से मिलते हैं और डाइवर्स इकोसिस्टम परवान चढ़ते हैं। आज हम ऑस्ट्रेलिया के दिलकश जोग्राफिया में गहराई में गोता लगाएंगे। एक मुल्क ये इतना ही मुतनव्वे है जितना के ये बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, लिहाजा सहराओं बरसाती जंगलों और साहली अजायबात के सफर के लिए तैयार हो जाएं। सेगमेंट वन, ओवरव्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया साइज एंड लोकेशन। ऑस्ट्रेलिया इस लिहाज से मुनफरिद है कि ये एक कंट्री और एक कॉन्टिनेंट दोनों है। ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट हो सकता है, लेकिन तकरीबन 7.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के साथ ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क है। ये मुल्क सदर्न हेमिस्फीयर पर वाके है। इसके चारों तरफ से हिंद और मेडिटेरेनियन के समंदर हैं। इसे शानदार साहिलों और समुद्री हयातियाती डाइवर्सिटी का एक ना खत्म होने वाला साहिल फराहम करते हैं। नॉर्दर्न ट्रॉपिक्स। आइए नॉर्थ की तरफ चलते हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया के ट्रॉपिकल इलाके पनपते हैं। यहाँ आपको दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगा। 2300 किलोमीटर से ज्यादा फैले हुए ये समुद्री हयात की हैरत अंगेज सफों का घर है। जमीन पर डेंट्री जैसे बारिशी जंगलात हयातियाती तनवो से मालामाल है, जो जमीन पर सबसे कदीम और कदीम तर पौधों की अनवा की मेजबानी करते हैं। The Arid Red Center। अब हम ऑस्ट्रेलिया के मरकज यानी रेड सेंटर में सफर करते हैं। ये बंजर फिता वसी सहराओं, चट्टान की शक्लों और मशहूर अलूरों से मुतय्यन होता है। सहरा बंजर लग सकता है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के मकामी लोगों के लिए गहरी सकाफत अहमियत का हामिल है और इस इंतहाई माहौल में ढल जाने वाली जिंदगी से हम आहंग है। Eastern Coastal Ranges and Forests। मशरकी साहिल पर जमीन की तज़ईन नाहमवार पहाड़ी सिलसिलों और सरसब्ज जंगलात में चेंज हो जाती है। द ग्रेट डिवाइड करने वाला सिलसिला 3500 किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ है, जो जखेर साहली मैदानों को बंजर अंदरूने मुल्क से अलग करता है। मशहूर ब्लू माउंटेन्स दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले साहली खितों में से एक है, जो कि ड्रामाई पस मंजर पेश करती है। सदरन शोर्स और तस्मानिया। जनूब की तरफ जाते हुए जमीन की तज़ईन एक बार फिर बदल जाती है। ऑस्ट्रेलिया के जनूबी साहिलों में सरसब्ज अंगूरों के बागात, सरसब्ज पहाड़ों और मोतदिल बारिशी जंगलात के साथ मोतदिल इलाके नुमाया है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के जजीरे की व्यासत है। कदीम जंगलात ड्रामाई साहली खतूत के साथ जंगल से मोहब्बत करने वालों के लिए एक पनागा है और मुनफरिद जंगली हयात जैसा कि तस्मानियन डेविल्स जैसे जानवरों का घर है। शुमाल के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से लेकर आउटबैक के बंजर सहराओं तक, मशरकी पहाड़ी सिलसिलों से लेकर जनूबी साहिलों तक ऑस्ट्रेलिया का
जोग्राफिया इतना ही डाइवर्स है जितना कि ये खूबसूरत है। हर खिता कुदरती हैरत की अपनी कहानी सुनाता है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के मुतनव्वे मनाजिर के जरिए इस सफर का लुत्फ उठाया है तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाना यकीनी बनाएं ताकि आप किसी और एडवेंचर से महरूम ना हों।